तो क्या हाल है यार? आज वंस अगेन बहुत ही डिमांड पे था, बहुत टाइम से पूछ रहे, बहुत हमारा कोर्स इस पे बना हुआ है, सब कुछ इस पे बना हुआ है। वो क्या है? प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट बिजनेस। सबसे इजी बिजनेस, सबसे सही बिजनेस, लेकिन अगर सही निश ना मिले तो सबसे बेकार बिजनेस। तो मैं आपको बेसिकली ना आज जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ही क्लियर बताने चाह रहा हूँ दो चीज। पहले, तुम कहाँ से सोर्स कर सकते हो काम, ठीक है? सोर्सिंग तब भी टेंशन नहीं है। दूसरा, क्यों लोग फेल हो जाते हैं और कैसे तुम उसको सही कर सकते हो। तो बहुत ही इजी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज करते आ रहा हूँ। ये आप देखोगे मेरी कंपनी है विजन प्ले, इसमें सामने कस्टमाइज टी शर्ट का है, प्रिंट ऑन डिमांड का है, बिकम अ डीलर है, सब कुछ है, ठीक है? और अब हमने धीरे धीरे इसमें टूर्नामेंट स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया, ठीक है? तो यार मेरे को तो छोड़ो, चलो मैं तो अपना प्रचार करते रहूंगा जिंदगी भर, लेकिन आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है। प्रिंट ऑन डिमांड होता है कि आप अपने डिजाइन बनाते हो, जैसे ये डिजाइन काफी कूल डिजाइन है, ठीक है? ये डिजाइन आपने मार्केट में सर्कुलेट किया, आपने एड रन किए, फेसबुक रन किया, इंस्टाग्राम रन किया, यूट्यूब रन किया, गूगल एड रन करे, वो सब करे, रिस्पांस देखा, अगर अच्छा रिस्पांस है, ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपने उस पर प्रिंट करा के भिजवा दी, ड्रॉप शिप कर दी। मतलब अगर मैं फैक्ट्री वाला हूं तो मैंने आपकी तरफ से कस्टमर को सीधा भेज दी, यही होता है। इस तरह का रीसेलिंग मॉडल ओनली, बट इसको थोड़ा प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा फैंसी वर्ड दे दिया। तो ये तो समझ आ गया आप लोग को कि भैया व्हाट इज प्रिंट ऑन डिमांड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। अब आ जाते काम की बात पे, वो है तुम्हारा कॉटन टी शर्ट। कॉटन टी शर्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है हमसे, कोई बात नहीं, कॉटन टी शर्ट प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं जाऊँ ना, तो ये हमारा प्रिंट लैंड, प्रिंट रोव और ये सब की बात आगे करनी है, जो मेन है उसकी करते हैं, ठीक है? अगर इसमें तुम जा रहे हो तो 250 रुपये की टी शर्ट दे रहा है, अगर मैं इसकी टी शर्ट बनाने पे भी जाऊँ, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि ये आपको मालूम ही है, आप लोग भी गूगल करके देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। इसमें आपने फोटो डाल दिया, आपने कुछ भी डाल दिया, ठीक है? आपने कंटेंट डाल दिया भैया, डालने दो मुझे कंटेंट। जैसे मैंने अपने नाम की शान शेट की टी शर्ट रखनी है और राउंड टेक कॉटन में रखनी है, आमो सब कुछ दे रहे हैं, मतलब अच्छी कंपनी है यार, ऐसे नहीं है। अपलोड इमेज में भी चले जाऊँ मैं, अगर अपलोड इमेज करूँ, चूज करूँ कोई फाइल में से, और डेस्कटॉप पे चले जाऊँ, विजन पे प्रोडक्ट्स में चले जाऊँ, या तो फिर ये देख लेते हैं, ठीक है? तो सपोज इसमें चले जाऊँ, मैंने इसको ना पूरा ही कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की इमेज है, बढ़िया सी बड़ी सी इमेज कर दी मैंने इसकी, एक क्वांटिटी है। मैं जाऊँ ऐड टू कार्ट करूँ, आई एग्री दैट द स्पेलिंग एंड एवरीथिंग इज एवरीथिंग आई एग्री, मतलब अगर तुम्हारी फाइल वाइज सेट है, तुम्हारा डिजाइनर है, या तुम खुद डिजाइन का छोटा सा कोर्स कर लो, तो तुम कर सकते हो। 249 में प्रोसीड टू चेकआउट, तुमको 250 रुपये में प्रिंट के साथ मिल रही है। जो हम लोग दे रहे हैं, हम 180 के दे रहे हैं, और ये सब दे रहे हैं, इसमें अपने अपना नाम नंबर सब कुछ डाल दिया, इन्होंने शिपिंग का ऑब्वियसली पैसे ले लिया, 55 रुपये शिपिंग एंड हैंडलिंग, और 304 रुपये कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम इन्होंने नहीं रखा है। तो ये एक फाइट है, तो इससे क्या हो, या आपको अपने पास मंगानी पड़ेगी, फिर वहां से भेजना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कैश ऑन डिलीवरी रख देते, पर इसके पास नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो मोटा मोटा आप समझ लो, जो कॉस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो 180 रुपए की टी शर्ट होगी, 180 से 200 रुपए, अब तो 200 रुपए तक पहुंच चुकी है, पिछले 3 महीने में 180 थी, ठीक है? लेकिन अब कॉस्टिंग जनरली बढ़ रही, जनरली जा रहा है, तो ये 200 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। अगली कंपनी भी यही है। अब अगले जा रहे थे आउल प्रिंट्स पे। अब आउल प्रिंट्स क्या करते हैं, क्लासिक यूनिसेक्स टी शर्ट दैट फिट्स ऑल कैटेगरी होगी। इन्होंने जो कॉस्टिंग रखी 175 रुपए व्हाइट, 175 रुपए ये, आई होप ये कॉटन टी शर्ट की बात चल रही है यहाँ पर, अच्छा ये चल रही है 100% फन कॉटन, ठीक है? बायो वॉश है, प्री शंक है, प्री बायो वॉश ने मारा केमिकल होता है, दाने दाने आते हैं वो हट जाते हैं, कॉटन का फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, प्री श्रंक है, ठीक है? तो काफी ड्यूरेबल है सब कुछ, कलर फास्टनेस है इसमें, मतलब कलर ब्लीड नहीं करेगा, थोड़ा सा करता है वो करेगा भी तो इतना नहीं करेगा। डीटीजी प्रिंट जो मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट टू गारमेंट या डीटीएफ प्रिंट डायरेक्ट टू फिल्म देन गारमेंट पर, तो उसमें बहुत इजीली हो जाएगा। जो कॉस्टिंग इसी चल रही है, मैं आपको बता दूं 175 रुपए ले रहे हैं ये लोग, 80 रुपए का मिनिमम कॉस्टिंग प्रिंट की लेते हैं, क्योंकि इनके देखो अगर ये देख रहे हो ना तो ये वाला प्रिंट, तो ये प्रिंट है लगभग 30 से 40 रुपए का, दूसरे दिख रहा, तो ये देख रहा हूँ, ये तुम्हारे भाई की बॉडी के साथ देख रहा हूँ ये, तो ये वाला प्रिंट तुम्हारा 30 से 35 रुपए का है, और मतलब अगर टी शर्ट 180 के तो 210 रुपए के हम दे देंगे, ठीक है? टोटल ये दे रहे 305 रुपए का, तो थोड़ा सा महंगा तो है डेफिनेटली, क्योंकि शिपिंग इन्होंने प्रीपेड कर दी है, और अगर इन्होंने शिपिंग प्रीपेड ही है, पोस्टपेड नहीं है इनके पास, जीएसटी 5% टोटल पे डाले, फाइनेंस 320 रुपए का, प्रीपेड बेस पे चल रहा है भाई ये भी, ठीक है? तीसरा तो प्रिंटो कंपनी तो कस्टमाइजिंग की है, प्रिंट रोफ पे आ जाते हैं भाई, ठीक है? बैंगलोर बेस्ड कंपनी है मेरे हिसाब से, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, और इस पे तुम एक अच्छा कर सकते हो, ठीक है? प्रिंट रोफ मेरे को जनरली थोड़ी अच्छी भी लगती है, सर्विस वर्विस बढ़िया लगते हैं, प्राइसिंग वाइजिंग बता देंगे तो और बढ़िया, ठीक है? प्राइसिंग मेंस को देंगे, मेंस राउंड नेक टी शर्ट पा रहे हैं, तो इसकी जो कॉस्टिंग चल रही है 185 से 260 की। अगर मैं इसको बेसिक ब्लैक ले लूं और स्टार्ट सेलिंग पे चले जाऊं, तो रफली ना मैं बता रहा हूं, मेरे इसमें ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, सब कुछ कर रहा हूं, तो इसका रफली बता 210 रुपए की टी शर्ट है, ठीक है? 210 रुपए की टी शर्ट है, प्रिंट कॉस्ट इनका एक्स्ट्रा है, तुम इसमें आराम से अपना डिजाइन लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो, एक अच्छे डिजाइनर का फाइल बना दी तो डिजाइन लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है? ये ऐसी कॉस्टिंग है। साथ ही साथ में क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं ये लोग,
लोग लॉन्ग स्लीव टी शर्ट, हुडी, स्वेट शर्ट सब कुछ दे देते हैं, ठीक है। वुमेन में भी सारा दे देते हैं, क्रॉप टॉप भी दे देते हैं। क्रॉप टॉप के फोटोज भेजाऊ मैं तो, बेसिक है सारे कलर इनके पास, येलो ले लो, आपका पिंक ले लो, ऑरेंज ले लो, ग्रीन ले लो, और साइज बेचर सब कुछ ए टू जेड पूरा दे देते हैं, ठीक है। अगर तुम इनके प्रोडक्ट में जाओगे तो क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। तो यार ये सब तो हो गया, तुमने इनकी डिजाइनिंग मिला ली, सब कुछ कर लिया, 80 रुपए का तुमने देख लिया, बेसिक कॉस्ट है, सब कुछ है। सोर्सिंग आप हर जगह से कर सकते हो, सोर्सिंग आप मुझसे भी कर सकते हो, लेकिन यार पैसे कैसे कमाए? देखा है तो गूगल एड चला ले, इंस्टाग्राम एड चला ले, ठीक है। अपना काम है जीरो इन्वेस्टमेंट में बताना। बहुत सारे लोग एड रन करके भी, फेसबुक एड रन करके पैसे बना लेते हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई, लेकिन मेरे में ये स्ट्रेटेजी नहीं चलती है, जो सीधी बात है। मेरे में क्या चलता है मैं आपको बताऊं, ये चल रही है मेरी वेबसाइट, ठीक है, जिसमें हम करते हैं, हम सीधा प्रोडक्ट दे देते हैं, टी शर्ट देते हैं, स्पोर्ट्स वेयर देते हैं, टी शर्ट ये सब देते हैं, इससे हम कस्टमाइज बनाते हैं। तुम भी अगर हमारे बैनर देखोगे, सब कुछ देखोगे, तो हम कस्टमाइज बनाते हैं। कस्टमाइज क्या बनाते हैं कि आप क्या, आप मुझे टी शर्ट का ऑर्डर दो, हम आपके हिसाब से प्रिंट करके देंगे, वो सब करके देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया प्रिंटर ऑफ क्या होता है। अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं हम लोग कि यार कैसे तुम बेच सकते हो। देखो नीश क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। सोल्ड स्टोर पे चले जाओ, ठीक है। अब इनका तुम देख लो, ये भी इन अ वे तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, पहले डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद अब तो धीरे धीरे कर रहे हैं, पर इनिशियली ये लोग भी यही करते थे। अगर तुम इनके तो इनके तुमको मान पड़ जाएगा सुपर हीरोज में इनका नीश है। इनका नीश है कि भैया हमें हीरोज के ऊपर बनानी है, हमको इसके ऊपर बनानी है, तो वो उस हिसाब से बनाते हैं। कोई भी आप अगर बेवकूफ बेवकूफ पे चले जाओ तो वो बेवकूफ समझ जाओगे कि भैया इनके थोड़े फन ओरिएंटेड टी शर्ट होते हैं, या थोड़े फनी टी शर्ट होते हैं, या इनके थोड़े कार्टूनिस्टिक होते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि आप कैसे कर सकते हो, अपना नीश कैसे पकड़ सकते हो। अगर तुमने नीश नहीं पकड़ा ना, तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुमको आपको बताता हूँ नीश कैसे पकड़ना है। अब अगर मैं इसमें चला जाऊँ क्रिएटर्स क्लोजेट में, ठीक है। अब इसने क्या, इस लड़की ने अपनी नीश कैसे पकड़ी ना, देखो ध्यान से देखो, ये क्या करती है, ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए टी शर्ट बनाती है, ठीक है। हो सकता है इनके लिए ड्रॉप शिप कर ले, मैं इसको इतनी पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन इसका कहना थोड़ा हसल टाइप का, और इसे ऐसे टाइप की अपनी जॉनर पकड़ के करना चाहती है। अगर तुम इसकी टी शर्ट भी देखोगे ना, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव, ये बॉर्न टू रूल, बॉर्न टू क्रिएट, तो थोड़ा ये क्रिएटिव फील्ड में अपना बनाती है। अगर मैं इसकी वेबसाइट पे भी चले जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसकी वेबसाइट में जा रहा हूँ, भाई एंटरप्रेन्योर क्या होता है तुम्हारा, कैसे तुम बड़े बन सकते हो, कैसे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, वैसे टाइप के एक अच्छे, मतलब इसने भी ऑब्वियसली अगर सोर्सिंग करिए तो प्योर कॉटन बायोवॉश फैब्रिक उससे करिए, 449 में सेल करिए। पर इसमें तुम देख रहे हो इसने अपना एक अपना जोना बना दिया, इसने क्या करा है, इसी यार मीशो के भैया इसका एक नीश पकड़ लिया इसने, उसमें करेगी, ठीक है। हैंगर थोड़ा टेढ़ा है इसका, पर ठीक है, कोई फाइट नहीं है। और अगर तुम इसको देखोगे तो ओवरऑल काफी सही कर रही है। अगर इसकी रील पे भी जाते हैं, अगर इसकी रील पे जाओ, पीछे एक शारिया है जिसने 5,000 रुपए खर्च कर दिए अपने टी शर्ट पे इस लड़की के, उसने बोला आई रियली लव योर टी शर्ट, तो इसके लिए पर्सनली पैक करके दे रही है, देख रहे हो। तो इसने क्या अपना क्रिएटर्स क्लोजेट हल्का सा वो दे दी है कि भैया मैं हर क्रिएटर के लिए बना सकती हूँ। फिर इसने ये भी दिखा दिया कि भाई तो ये तुम देख रहे हो, इन्होंने यहाँ से ऐसे पैकेज इतना इनका सामान जा रहा है, तो इससे क्या थोड़ा ऑथेंटिक भी बता रही है अपने आपको कि भैया मेरे को ऐसी फेक नहीं हूँ, या मैं सिर्फ गूगल पे या वो अपने शॉपिफाई पे नहीं दिखा सकती 1 मिलियन प्रोडक्ट सोल्ड और एक्चुअल उनको सोल्ड कराना हो। और इसमें अगर तुम्हें थोड़ा और चले जाओ तो ये अपना एक और एंटरप्रेन्योर आ गई है, ठीक है। ये DTF है, देखो तुम देख रहे हो, ये फिल्म है, ये निकाल रही है, DTF प्रिंटिंग कर रही है, और ये मतलब मेन क्या ना, पैकिंग पे ध्यान दे रही है, थोड़ा सा क्वालिटी पे मेक श्योर कर रही है, क्वालिटी अपने सामने खोल रही है। अगर फिल्म, अगर कोई फैक्ट्री का मालिक, अगर मैं जिस दिन अपने सामने फिल्म उतार दूं ना, तो समझ लो मैं क्वालिटी पे बहुत टेंशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इसको थोड़ा सा हटा देना चाहिए, वर्कर को रखना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं बननी चाहिए लाइफ में। एनीवेज मैं कौन हूं बोलने वाला। फिर इसके एक और वीडियो पे चले जाओ, टी शर्ट का फिर से बता रही है, बहुत ही बढ़िया टी शर्ट निकाल रही है, ये अनफॉर्चुनेटली डैट मीन्स आई हैव कंटेंट, आई एम कंटेंट क्रिएटर। तो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर के लिए बना रही है, बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये मतलब थोड़े से टी शर्ट की इसने ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी की थी। तो यार तुम समझ रहे हो, ये अपनी नीश पकड़ के चल रही है, ये बता रही है कि कोई क्रिएटर है, कोई है, तुम उससे टी शर्ट लो, वो टी शर्ट पहनो। हो सकता है आगे जाके लोगों के लिए ड्रॉप शिप भी कर दे। ड्रॉप शिप कैसे कर दे कि अगर जैसे कोई अच्छा कॉर्पोरेट नहीं जाए, कोई जैसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया तो ब्लॉगर हो गए, कोई छोटा ब्लॉगर मिल गया इनको, जिसके पास 100, 200, 300 के वाले होंगे, उनके लिए उनका ऑर्डर आया क्योंकि इनकी कम्युनिटी सब कुछ है, तो उनके लिए टी शर्ट ड्रॉप शिप कर दी, जो हम लोग बहुत सारी कंपनियों के लिए करते हैं और पैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन यही बताना था आपको कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पैसा बना सकते हो और कैसे आप बना लोगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय एंड टेक केयर।